नमस्कार, आप देख रहे रॉच न्यूज। रॉच न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब खबर है, कोरोना वायरस से बचाव हेतु समाज सेवी द्वारा किस तरह आमजन को वायरस के प्रति जागरूक कर इसके बचाव हेतु अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि वैश्विक महामारी कोरोना के बचाव हेतु वैश्विक स्तर से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वायरस की चपेट में भारत सहित दुनिया के ताकतवर देश आ चुके हैं। इसलिए महामारी के कारण देशव्यापी चौथा लॉकडाउन बेशक आज खत्म होने पर है, मगर देश में अभी भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्यों की सरकारें इससे निजात पाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। साथ ही देश में अनेक जगहों पर समाज सेवी लोगों द्वारा सरकारों से कंधों से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला अलवर जिले के हुलमाना कलां ग्राम पंचायत के मिर्जापुर गांव में। मिर्जापुर में भी समाज सेवी सूबेदार मेजर भगवान सिंह धनवाल ने अपनी ग्राम पंचायत को सैनिटाइजर करवाने का बीड़ा उठाया है। मेजर धनवाल ने बताया कि हमें कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए निस्वार्थ भाव से ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को वायरस के प्रति जागरूक कर उसके बचाव के लिए कदम उठाने होंगे। इसी संकल्प से आज मिर्जापुर सहित हुलमाना कला, हुलमाना खुर्द सहित हरिनगर गांव में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करा, आमजन को वायरस के प्रति सजग रहने की अपील की है। इस दौरान समाज सेवी भगवान सिंह धनवाल का सहयोग पूर्ण सिंह धनवाल, जसवंत सिंह, सुनील, पवन यादव, दीनदयाल कांवत, रमेश चालवास, विक्रम धनवाल, राजकुमार, राम सिंह, रविंद्र सहित आदि लोगों ने किया। और न कि हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में ये कोरोना का बीमारी फैला हुआ है, तो मैं अपने ना केवल गांव में बल्कि पूरी पंचायत हुलमाना कलां पंचायत को सैनिटाइज करने का मैंने डिसीजन लिया, ताकि हम बीमारी से दूर रह सकें।